गुड इवनिंग क्लास। हाँ जी, क्या डिस्कशन है? पेपर भी है? अरे हाँ, करके लाए हो? पूछो पहले ये कर ले, क्या नाम है इसका, रेस कर ले। रेस 41 थी ना? हाँ रेस 41। आंसर लिखो। फर्स्ट आगरा, सेकंड कलकत्ता, थर्ड कलकत्ता, फोर आगरा, फाइव एसी, सिक्स एसीडी, सेवन बी बॉम्बे, एट नाइन, नाइन फाइव टेन एसी। एट का नाइन, नाइन का फाइव। एक मिनट सारे बता रहा हूं। फर्स्ट आगरा, सेकंड कलकत्ता, थर्ड कलकत्ता, फोर्थ आगरा, फिफ्थ आगरा कलकत्ता, सिक्स एसीडी, सेवन बॉम्बे, एट नाइन, नाइन फाइव टेन एसी। हाँ भाई, अच्छी अच्छी है ये बात। मतलब अच्छी है तो सपोर्ट देता हूँ, नहीं तो वैसे। हाँ क्या रखते भाई फोर्थ के अंदर? हाँ तो वो तो नहीं बनेगा ना, तभी तो दूसरी तरफ से बाहर निकला। हाँ तो अगर वो टच होके वापस आया था तो फिर दूसरी तरफ से बाहर कैसे निकलता? क्या? अरे भाई ये बता, ये ऐसा दे रखा है ना, और ये एक पार्ट हो गया। एक तो यहां से घुसा, यहाँ कुछ मैनेटी फील्ड थी। कहाँ दे रखी है? बाहर दे रखी ना, यहाँ पे, यहाँ बाहर दे रखी, यहाँ अंदर दे रखी है। ठीक है, वैसे तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नीचे जाता, ठीक है, पर ये इसके हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि दूसरी तरफ से ऊपर से बाहर निकला। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ऐसे आया होगा, ऊपर की तरफ गया ना, ये तो नेगेटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, अगर वो शब्द को कोई मतलब नहीं है, चार्ज का सही क्या है। हम यहाँ पे इनफैक्ट उल्टा डायग्राम को देख के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तभी तो ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो V cross B जो नीचे आ रहा है, फोर्स ऊपर की तरह लग रही है, तो ये ऐसे आया। ओहो, अब यहाँ पे मान लो ये ऐसे आया और उस और वहां पर यही चीज ऐसे हो गई और यहां से सीधे बाहर निकल गया। कुछ इस तरीके का डायग्राम रहा होगा अंदर, इसके सिवा कुछ हो भी नहीं सकता। अगर आज सर्कल का मतलब सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाता तो सेकंड पार्ट भी नहीं जाता, तो वहां से बाहर निकलेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो यहीं से बाहर आ जाता। अब सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि ये है आर वन और ये है डी वन, दिख रहा है ऐसे ही, ये है आर टू और ये है डी टू, ये भी दिख रहा है। और क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा? और ये तो अपन निकाला था साइन थीटा की वैल्यू, याद आ रहा है डी वाई आर वन, डी वाई आर, याद आ रहा है कि ये वाली बात क्लास का क्या क्वेश्चन है, यानी कि डी वन बाई आर वन की वैल्यू क्या आएगी? डी टू बाई आर टू के बराबर आएगी, दोनों थीटा बराबर। समझ आई बात? बस हो गया, हाँ देखने में अच्छा लग रहा था पर सवाल बेकार है। और बोलो भाई, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया क्यों? बोलो कुछ तो बोल, जिन थोड़ियों के ऐसे घूरता रहेगा गायब हो जाऊंगा। इसने उम्मीद नहीं करती कोई आगे मुझसे पूछ भी सकता है कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, निकाल दू बाहर एक, आज जिस दिन होमवर्क नहीं उसको आज बाहर निकाल दू। क्या करो भाई, हाँ और बोलो। ओके बाकी हो गए, छठा दिखाना यार, पांच सिक्स, हाँ कौन पूछ रहा, क्यों बोल दो फिगर शो कर सकते, ये तो निकाला हुआ है ना अपना। अरे किसी भी सिलेंडर के अंदर फील्ड कितनी होती है? सिलेंडर के अंदर
तो करेक्ट जो वो याद आ रहा है, म्यू नॉट इनटू जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय टू। सॉलिड सिलेंडर के अंदर फील इतनी होती है अगर सॉलिड होता तो, लेकिन यहाँ तो खोखला है। पर कोई बात नहीं, हमने कहा यहाँ पे जे है, एक काम करो यहाँ पे जे और जे दोनों मान लो, अंदर का जे बाहर का जे दोनों मान लो, दोनों मानते के साथ ये पॉइंट अगर पी है, ये पॉइंट अगर सेंटर वाला सी है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि किसी पॉइंट पर अगर मुझे यहाँ पे फील निकालनी है, मान लो इस जगह पर निकालनी है, ये पी पॉइंट है, ये हो गया सी, ये हो गया ओ, और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उसकी वजह से फील कैसे निकालोगे आप? हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वैसे तो इसकी भी निकाली भी है मैंने, वो म्यू नॉट इनटू जे क्रॉस ओसी वेक्टर बाय टू आता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं इस बात का, तो कोई बात नहीं भाई। पहले पूरे सिलेंडर की निकालोगे वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट इनटू जे वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर बाय टू प्लस, तो इसके इसकी निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस टाइम्स म्यू नॉट इनटू जे वेक्टर क्रॉस सीपी वेक्टर बाय टू। कुछ समझ में आ रहा है क्या बात कर रहा है? अच्छी ये कहां से आया बता, ये किसका वाला, ये बड़े वाले की वजह से किसका, छोटे वाले की वजह से किसका, माइनस क्यों आया? अच्छा पूरे वाले से घटाया इसलिए। अच्छा नहीं, एक्चुअली मैंने दोनों तरह मान लिए थे, ये माइनस जो है ये एक्चुअली यहाँ का माइनस जे है, ठीक है। एनीवे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इनटू जे वेक्टर क्रॉस ओसी वेक्टर आ जाएगा इसको। तो मुद्दे की बात ये है कि ओसी वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है ना, फिर ओसी, हाँ ओसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अरे जे क्रॉस ओसी, ओसी के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, उसमें उन्होंने ओसी वेक्टर को ए वेक्टर बोला हुआ है, और बोले ए वेक्टर के अलोंग है, फील फील ए वेक्टर के अलोंग थोड़ी आएगी, ओसी वेक्टर के मतलब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। और यूनिफॉर्म है ये वाली बात तो सही है, क्योंकि वो पी पे डिपेंड नहीं कर रही, अलोंग ओसी ए वेक्टर गलत है, परपेंडिकुलर ए वेक्टर सही है, इलेक्ट्रॉन पोजिटिव वी नॉट जे कैप विल मूव अनडेविएटेड, तो सही बात है, ओसी वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, या मतलब अगर ओसी ओसी इधर है और जे बाहर है तो जे क्रॉस ओसी नीचे की तरफ आएगा, मतलब जे क्रॉस ए वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, क्या हुआ, जे अंदर है, क्वेश्चन अंदर है, जे अंदर है और ओसी इधर है, जे क्रॉस ओसी नीचे आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन को वो कह रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का, मैंने सीधे ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी, मैंने डिफील किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि क्योंकि पॉइंट चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स क्या होती है, पॉइंट चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स क्या लगती है, हैं कुछ भी जो मैं कुछ तो बोल दो, अरे एक पॉइंट चार्ज है उसकी वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है क्यू वी भी लगती, क्यू वी तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, हाँ तो पूरा बोलो ना, आलस आ रहा क्रॉस बोलने में, मगर ऐसे आलस समझ जाओ, हाँ चटा बेसिक फॉर्मूले भी गड़बड़े हैं, 7 8 9 10 चलो ठीक है आगे बढ़ते, होमवर्क नहीं कर रहे ना तुम लोग आजकल, ये आदत हो गई है आजकल की, क्या बात कर दी सर आपने, हमने तो 6 महीने पहले होमवर्क करना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वाले सर ने जो तुम्हारा होमवर्क डिस्कशन नहीं कराया था वो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से था, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल थे, गारंटी देता हूँ गारंटी कि तुम्हें से आधे से ज्यादा लोग ये सवाल कर नहीं पाएंगे जो 3 सवाल आखिरी के थे, और किसी ने नहीं पूछे, गजब चलो अभी कितने लोगों ने होमवर्क किया है, हाथ खड़ा करना यार, 1 मिनट हाथ ऊपर रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, लड़कियों ने सबने कर रखा है, क्या बात है। और लड़के अंदर ना लाएंगे, क्या किया है मतलब जो होमवर्क कहा कि डिस्कस करेंगे वो नहीं किया, और जो डिस्कस होना नहीं वो हमने सब किया है, जिसके सोल्यूशन जगह अवेलेबल है वो हमने किया हुआ है, जिसके सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इसके आंसर क्या आएंगे कहाँ पे। वो वाले एलन प्लस में करो, ट्राई करो, समझ में आ जाए बताना है इसके रेस के। हाँ ढूंढो, वैसे तो मेरे पास भी 500 जी मटेरियल पड़ा हुआ है, पर जब जरूरत पड़ती है ना तो कुछ नहीं मिलता। इंटरनेट के भरोसे मत रुकना भैया, तुम बहुत बुरा बस्ता होगे, इतना व्यवस्थित कहीं भी नहीं है कि आपने बस क्वेश्चन डाला खड़ा से आंसर आ गया। और ये वाला कुछ ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा जी से, और फिर सोल्यूशन जो लिखे होते हैं वो फिर हाँ, वो तो मेरे पास भी। तो बेटा तेरे पास तो फीस दे के यहाँ पढ़ के रहे हैं, टेलीग्राम पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो मैं बिगड़ लेता। हाँ तो मेरी जरूरत क्या पड़ रही है, डिस्कस तो कर ही नहीं रहे, पूछ रहे नहीं है। और क्या होमवर्क भी क्या था, और कुछ छोड़ा रहने दो, होमवर्क तो किया नहीं होगा, आओ पढ़ाई करते हैं ठीक है। मतलब बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि मुझे रोहित सर के पचनों में चलना पड़ेगा, कोई होमवर्क नहीं, बस आप पढ़ाई करते हैं, बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में, क्योंकि होमवर्क दो तो फायदा क्या है। तो ये इतने सारे क्यों ये पूरी कैपेसिटी है, पूरी ये दो, दो, दो तीन चैप्टर पेंडिंग कैसे थे तुम्हारे रोहित सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आपसे मैं भी दूंगा ही नहीं ना, बात ही खत्म, क्योंकि तुम करके वैसे भी नहीं आते, मुझे दुख होता है, मैं पूछता रहता कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, ये बैठे इधर उधर देखते रहते लोग। चल अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शीट से ज्यादा अच्छी रेस है। रीजन क्या है, शीट साल में एक आध बार चेंज होती है ठीक है, वो कभी कभार, वो भी थोड़ी बहुत। रेस जब भी कोई नया सवाल आता है रेस में ही डाला जाता है, समझ रहे हो, रेस डेली बेसिस पे बन रही है ना, रेस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। कोई ढंग का सवाल किसी एग्जाम में कहीं पर आया डाल दिया है, तुम्हें क्या लगता है शीट हर साल बनाते रहते हैं बैठ के। हाँ करते हैं, अपग्रेड करते हैं, कोई गलत सवाल थे छोटे सवाल थे हटा दिए, तो वो साल में एक बार की एक्टिविटी है, तुम्हें इज्जत ही नहीं देती, ये पतली दुबली थी एक कागज के। हाँ चलो पढ़ाई करते, फिर लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने, मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ लिया था ना। हाँ तो देखो आगे बढ़ते हैं, और अगली जो चीज होती है वो क्या होती क्या, मतलब चीज हम सारी पढ़ चुके हमने, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, मतलब अलग अलग पास है, कभी को पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कभी को सर्कल में जा रहा है, कभी को पैराबोला में जा रहा है, कभी को हेलिक्स में जा रहा है, इरेगुलर हेलिक्स में जा रहा है, साइक्लॉइड, पता नहीं रैंडम चीज चल रही। अब आज उल्टा होगा, मैं तुम्हें कंडीशन बताऊंगा, ये कंडीशन है, तुम मुझे बताओगे टेरिटरी कौन सी होने वाली है, अभी तक मैं तुमको टेरिटरी बता रहा हूँ, अब देखते हैं तुम्हें कितनी समझ में आ रही है। अब इसे टेरिटरी के नाम बता रहे हैं आपको, और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ठीक है, और मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो जो जीरो नहीं है वो यूनिफॉर्म है, हम ये अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो और दूसरी बात यह कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव ले रहा है, और पहली बात क्या थी कि फील्ड्स आर यूनिफॉर्म इफ एन, अगर है तो यूनिफॉर्म है, नहीं है तो नहीं। पहला केस, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी चार्ज की, वैसे छोड़ दिया, पाथ कैसा आएगा, ग्रेविटी नहीं है, स्ट्रेट लाइन, ये बात सबको समझ में आ रही। अच्छा हाँ अब जाके आवाज निकली मेरे बच्चों की, मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है, और इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होगा, तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और
ये वेलोसिटी इसके पैडल नहीं है, पैडल नहीं है बस, और है आड़ी तीढ़ी कुछ भी हो सकती है, बस इसके परपेंडिकुलर भी ये कंपोनेंट है बेसिकली। ये भाई जैसे सीधी सी बात है, एलईडी भी नीचे की तरफ है और ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब एलईडी भी नीचे की तरफ है, ये चार्ज पार्टिकल है, रेस्ट से छोड़ोगे स्ट्रेट लाइन, ऊपर फेंक के छोड़ोगे अपोजिट डायरेक्शन फेंकोगे तो भी स्ट्रेट लाइन, नीचे की तरफ फेंकोगे तो भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैंने इसे सारे विकेट कीपर तैयार हो गए, अगर मैंने इसे ऐसे फेंका, क्या बात है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो उसके इसमें कौन सा पाथ आ रहा है, पहला बोला बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में कोई वेलोसिटी होगी तो उसके साथ पाथ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला। अच्छा इसके बाद अगली चीज, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो अब पाथ कैसा आएगा, कोई बात नहीं आएगा, वो बात वो रेस पे रह जाएगा ना, वो उसको फोर्स ही लगी, रेस पे था कोई फोर्स ही लगी, यहां पे आएगा नो पाथ, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है, सॉरी जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, नो पाथ स्ट्रेट लाइन, अरे फोर्स दी लगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वेलोसिटी खत्म होगी, वेलोसिटी दी है ना उसको तो वो सीधे उसी रास्ते पे चलता चला जाएगा, ये बात समझ में आ रही क्या। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है, नहीं एक मिनट एक और है, अगर ये जीरो है पर ये पोटेंशियल एनर्जी बोला था ना, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, यहां पे क्या आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है, वही रेडियस इक्वल टू एमवी बाय क्यूबी वाला। मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी यहां पे परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है बी के, मतलब अगर जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और वेलोसिटी जो है वो ना इधर है ना इधर है, वो इधर कहीं टेढ़ी है, तो इसे पाथ कैसे आएगा, इसे पाथ आएगा हेलिक्स, समझ में आ रही वाली बात। अच्छा रेगुलर हेलिक्स, आर हेलिक्स। अब ये बात मुझे बताओ, यहां पे हेलिक्स का शेप कैसा होगा, मतलब यहां पे डायग्राम में हेलिक्स कैसे होगा, कि बाहर आ रहा होगा अंदर जा रहा होगा, ये वेलोसिटी है, ये बी है, बी के अलोंग जा रहा होगा, वी के अलोंग जा रहा होगा, उल्टा जा रहा होगा, कहाँ होगा, उधर कहीं और जा रहा होगा, अंदर किधर जा रहा होगा, पक्की बात है बिल्कुल, सोच लो, हाँ किधर जाएगा, कैसा होगा हेलिक्स देखने में, कुछ लोग लेफ्ट हैंड चला रहे हैं, हाँ अंदर मतलब ऐसे, मतलब ऐसे करके अंदर उससे चला जाएगा, ऐसा करो फिर एक्स एक्सिस तो बनाया ही नहीं मैंने कोई, वी है बी है किसके, हाँ देखो हमेशा जब भी ये ऐसे बने हमेशा इसको ध्यान रखना, जैसे अपने लास्ट क्लास में भी देखा था उसमें क्या अपन ने बड़ा सुंदर सा बना दिया था कि मैंने भी इधर है, इधर की तरफ वेलोसिटी थी तो या सॉरी वेलोसिटी इधर की तरफ दे दी, तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है जैसे गोल गोल घुमाया इसको चाहे पीछे की तरफ घुमाया, और इधर वाला कंपोनेंट है उसको उस सर्कल को आगे बढ़ाया, याद आ रही वाली बात। हमेशा जब भी आपको वी आर भी दिए जाएंगे तो आप ये कह सकते हो कि वी के दो कंपोनेंट है, बी के परपेंडिकुलर बी के पैरेलल, बी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इसको ऐसे घुमाता है और बी के पैरेलल वाला कंपोनेंट उसको आगे ले जाता है, ठीक है। बेसिकली वी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एक सर्कल बनाता है, बी के पैरेलल वाला कंपोनेंट वी का जो बी के पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो सर्कल को आगे ले जाता है, यानी कि जो हेलिक्स बनेगा उसका एक्सेस हमेशा बी के पैरेलल होगा, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, हेलिक्स का एक्सेस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। चलिए अब बी मान लीजिए नॉन जीरो है और ई भी नॉन जीरो है और बी और ई पैरेलल हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी,
प्लीज नोट, जो जो शब्द आप पहला बोलोगे वो आप एक्चुअली यही में लिख के आने वाले हो, दूसरों को सुनने के बाद जो आपने चेंज किया वो आपका सही आंसर नहीं है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन। अरे इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, रास्ते रास्ते छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी चल मेरे साथ, और जब वो वेलोसिटी आएगी भी तो बी के पैरेलल आएगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी और स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बी पैरेलल टू ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। अच्छा चलो ठीक है, अगर बी नॉन जीरो है, ई नॉन जीरो है, B और E और U सब पैरेलल हैं, इधर ही B उधर ही U, सॉरी इधर ही B इधर ही E और उधर ही वेलोसिटी दी, स्ट्रेट लाइन अगेन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगेन। और ये और इन दोनों में एक्चुअली क्या फर्क है? बस इसमें ये जीरो से है, ये V वेलोसिटी से रवाना हुआ है, और मैग्नेट फील्ड का दोनों में कोई इफेक्ट नहीं है, और दोनों ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ में आ रही बात? अच्छा अगला, अगर बी नॉन जीरो है, ई नॉन जीरो है, अगर ई नॉन जीरो है, ये दोनों पैरेलल हैं और वो पैरेलल नहीं है यू के, इधर ही है इलेक्ट्रिक वेलोसिटी और दे दी, वो आएगा आई हेलिक्स, इररेगुलर हेलिक्स। समझ में आ रही है वाली बात? अच्छा, और अगर बी जीरो नहीं है, ई भी जीरो नहीं है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, B और E आपस में परपेंडिकुलर है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो क्या होगा? B और E परपेंडिकुलर है, E की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो क्या होगा? यहां पे साइक्लॉइड बन जाएगा। लास्ट क्लास में आपने चीज ये तो करी थी, याद करो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, दोनों परपेंडिकुलर थे और ऐसे छोड़ दिया था, तो वैसे कूद कूद के गया था साइकिल, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। हाँ अच्छा, अगर इसी केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो की जगह कुछ वेलोसिटी दे देते दे, तो ये बहुत तेज जाता सीधे सिलेबस के बाहर। ठीक है, वो नहीं पढ़ना हमने, वो ये सारे पढ़ने हैं, याद आ जाएंगे। अभी कितने लोगों ने ये सारे जवाब कुछ उनको लगता है कि हाँ नहीं, उनको पहले से पता था आंसर, आप बोलते गए तो हम आते गए दिमाग में आते गए। अच्छा कुछ कुछ एक याद रह गया, कोई बात, कोई याद रह जाएगा क्या, देख लो। वैसे अच्छा तो ये रहेगा कि आखिरी वाली लाइन छोड़ के बाकी लिखो, फिर आखिरी वाली लाइन अपने आप लिखो और फिर यहां से चेक करो कि सही लिखी कि नहीं लिखी। हाँ मतलब कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इंस्टेंटेनियस की उसके ऊपर बात कर सकते हो। मतलब बी और ई अगर एक्चुअली कोन भी नहीं, जरूरी नहीं कि जैसे जितने शेप हम जानते हैं वैसा ही कोई शेप है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और पार्टिकल की वेलोसिटी होता किधर नहीं, अच्छा जीरो है, रास्ते छोड़ दिए, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, इधर जाते के साथ ही वी क्रॉस बी के हिसाब से फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, फिर बाहर आने लगेगा। ठीक है, और जब ये बाहर आने लगेगा तो उसके बाद भी ये तो लगी रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो फोर्स इधर आ जाएगी टेढ़ी, नहीं यार वो ऐसा हो जाएगा, जब मुझे ऐसा लगता है, हाँ वो एक जो हेलिक्स था ऐसे मान लो स्प्रिंग को आपने ऐसे पकड़ रखा है, उसको ऐसे करके दोनों उसके जो दोनों रिंग्स थी ना उनका ऐसे टेढ़ा किया और ऐसे किक कर दिया, कुछ उस टाइप का शेप होगा। पर अच्छी बात है सिलेबस में, मतलब स्कोप में नहीं है, सिलेबस में तो कुछ भी लाया जा सकता है इसके अंदर, पर स्कोप में नहीं।
S1 हुई है इसकी, अभी सी के S1। ओवन में कहाँ पे डिस्कस कर लेते हमने, 24 का अगर डिस्कस नहीं किया, आज 35 तक दिए थे ना। आज के लिए नहीं, होमवर्क नहीं है ये, वो है जो तुम कर सकते हो, ठीक है, करोगे नहीं पता नहीं, पर जो कर, जो जो सिंसियर हो, बचे हो आप में से, वो अगर करना चाहे फोटो कहां तक दिए थे पहले, 11 तक। हाँ 7 तक ही दिए थे डिस्कस, 7 तक हुआ। हाँ जी, लिख लिया इतना, ये समझ में आ गया सारे।
अरे ये इसको ये समझ में आ गया सारे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो ये है कि अगर मुझे आपको अगर मैं आपसे पूछू कि ये तो सब बातें हो गई, एक सिंपल सी बात ये है कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q1, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है Q2, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, मान लो ये जा रहा है उधर और ये जा रहा है इधर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछू मुझे बताओ इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिवली करंट ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ होगी क्या? अच्छा फिर अगर अंदर की तरफ है तो इसके ऊपर फोर्स किधर है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? तो वी क्रॉस बी जो आएगी वो यहाँ पर नीचे की तरफ नजर आनी चाहिए। ये आ गई, दिस इज द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है, टू पे वन की वजह से फोर्स। अच्छा इसकी वजह से वहां पे फील किधर है, अंदर, समझ में आ रही बात? क्योंकि ये करंट इफेक्टिवली में जैसे थे करंट इधर जा रहा है, इसकी वजह से फील इधर की तरफ है, बी क्रॉस बी किधर आएगा, तो यहां पे वी क्रॉस बी लेफ्ट साइड आ गया, यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लेफ्ट है, फोर्स टू ऑन टू ड्यू टू वन नीचे है, इक्वल एंड अपोजिट तो छोड़ो, तो अपोजिट भी नहीं है, अगर इन्हें बी पे कोई फोर्स लगाई तब तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि बी ने को उतनी फोर्स लगाई न्यूटन थर्ड लॉ, तो यहां तो न्यूटन थर्ड लॉ की धज्जा उड़ गई, ये तो एक्शन रिएक्शन फोर्स ही नहीं है, एक्शन रिएक्शन एक्चुअली शब्द मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगते, पर क्योंकि एक्शन रिएक्शन में ऐसा ही बता, एक्शन पहले हुआ कि रिएक्शन पहले हुआ, एक्शन पहले हुआ इसलिए नहीं अच्छे लगते, बिकॉज दीज आर साइमल्टेनियस फोर्सेस। एक्चुअली एक तो बचपन से एग्जाम्पल क्या बताया गया, मैंने उसको थप्पड़ मारा उसने मुझे थप्पड़ मारा, अरे भाई जाकर तुमने उसको थप्पड़ मारा, और अगर मान लो मैंने उसको थप्पड़ मारा वाला भाग गया तो क्या एक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ, तो वो जो थप्पड़ था वो रिएक्शन नहीं था, और मैं तो कह रहा मैंने उसको थप्पड़ मारा उसने जो गोली मार दी तो उसका एक्शन है बराबर नहीं सर, तो ये सब फालतू की बात है, एक्शन का अगर क्या क्या थप्पड़ एक्शन था, हाँ क्या उसका रिएक्शन दिए, हाँ, और वो दूसरा थप्पड़ नहीं है, वो गोली नहीं है, वो घूसा नहीं है, वो लात नहीं है, उसने अपने गाल से तुम्हारे हाथ में मारी थी उसी टाइम, वो बात अलग है उसका गाल ज्यादा सेंसिटिव था तो उसके चोट ज्यादा लगी है, चोट की अगर बात की जाए तो ठीक है तुम्हारे हाथ पे क्या ही कुछ हो जाएगा। अच्छा प्लस वो मेंटेलिटी भी होती है कि मैंने मारा, वो डोमिनेंस भी आ जाती है, वो अलग बात, लेकिन कायदे से तो ये है कि भाई दो से रख रहा है ये, तो दोनों में फोर्स, ए ने बी पे, बी ने ए पे बराबर फोर्स लगाए बराबर टाइम के लिए, इंपल्स बराबर, इंपैक्ट बराबर, सब कुछ सब चीजें सेम है, लेकिन वो जो रिएक्शन था वो उसने अपने डाल से तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगाई थी वो रिएक्शन था, और मैं से कोई एक पहले नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक द टर्म्स एक्शन रिएक्शन, क्योंकि सुनते ही लगता है कि पहले एक्शन होगा तभी तो रिएक्शन होगा, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर बोलते हैं इसको, मैं अभी बोलता हूँ, पॉइंट यहाँ पर यह कि दोनों जो फोर्सेज हैं कोई दूसरे के ऊपर फोर्स, मतलब ये तो मतलब न्यूटन थर्ड लॉ की धज्जा उड़ गई, मैग्नीट्यूड की बात तो बाद में करेंगे, ऐसे डायरेक्शन उल्टे नहीं आ रहे, क्या कहते हैं ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट कैसे होंगे, तो खबर क्या है, अब ये तो नहीं कह सकते न्यूटन साहब बुद्धू थे, अरे गलत बता दिया उन्होंने, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तो हुआ क्या है समझो इस बात को, कि जब हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं तो सही बात तो ये है कि देखो एक फोर्स होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ना इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चीज है ना मैग्नेटिक फील्ड कोई चीज है, जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, उसके सिर्फ कॉम्पोनेंट्स है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पे होता क्या है कि जब आप एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा आपने ये बात नोट करी होगी या नहीं करी होगी तो अब मैं बताता हूं, कि जब से आप बारी में आए हो ऑब्जर्वर ने मूव करना बंद कर दिया है, नोट करो इस बात को, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में ऑब्जर्वर कभी नहीं हिल रहा अपनी जगह से, 11वीं में धान बो दिया था ऑब्जर्वर चला चला के,
कभी बोला और कभी मतलब उसके रिलेटेड ये हो रहा है, उसके रिलेटेड ये हो रहा है, फिर फूट लगा लो, ड्राइंग सेल्फ फेम दया दो, पता नहीं क्या क्या। अब ऑब्जर्वर खड़ा हो गया, अच्छा अभी नोट किया, हाँ पिछले साल तो बहुत नाच रहा था, अब क्यों नहीं हिल रहा? वो इसलिए नहीं हिल रहा क्योंकि वो हिलेगा तो हमारी पूरी पढ़ाई हिल जाएगी, समझो इस बात को। अच्छा एक बात सोचो, अभी हमने ये वाली बात तो हमने ये डिसाइडेड है, हमको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर चार्ज स्टेशनरी होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और चल रहा होता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा जनरेट करता है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा है, जरा ठीक है, अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा है ये वाला, और एक मैं क्या हुआ, अरे कहा चल रहा है, हाँ रुक गया रुक गया, अब तो रुक गया, अभी कहा चल रहा है, तेरे को लगी नजर आ रहा है, रहा है भाई तू। हाँ बात यहाँ पर यही है कि भाई किसी के फ्रेम में ये चलता हुआ हो सकता है, और जैसे मैं खड़ा हूं यहीं पे तो मुझे रुका हुआ नजर आ रहा है, वो कोई चल रहा है तो उसको ये चलता हुआ नजर आ रहा है, जो चल रहा है वो कहेगा देखो देखो मैं इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहा है, मैं कहूंगा कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो कहने का मतलब ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट करती कि नहीं करती, करता है, इसीलिए नहीं चलाते ऑब्जर्वर को कि उसको अलग अलग चीजें दिखने जाएंगी जो हम जानते नहीं, जो हमारे सिलेबस के बाहर है, समझ रहे हो तुम कितने दुष्ट हो गए ये, कि कहीं तुम्हें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वाला दिख जाए जो तुम हिलो मत, बस जहां से खड़ो के देख रहे हो बस वहीं से देखते हो, अच्छा लग रहा बहुत बढ़िया, अच्छा जो रुके हुए जो नजर आ रहा है वही सब उसी पे सवाल कर लो, बड़ी बात है, अब वो चले लग जाए। एक्चुअली पूरे चैप्टर जो है वो हिंदुस्तान के पूरे हर जगह के सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है, अगर आप कोई फॉरेन ऑथर की कोई बढ़िया अच्छी टेक्स्ट बुक उठाओगे तो उसके अंदर एक और चैप्टर होता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि वो जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी का जिक्र है कि भाई अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का एक टर्म आता है कि अगर वेलोसिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी, भगवान की जैसे हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसके बारे में इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर ऐसी एक चीज होती है जिसका हम नाम नहीं लेते, ठीक है। पॉइंट यहां पर यह है जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये सिर्फ हमारे सहूलियत के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, और अगर न्यूटन थर्ड लॉ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और मैग्नेटिक फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये दोनों के रिजल्टेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, और वो जो रिजल्टेंट फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स है उसे प्यार से कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट फोर्स कुछ नहीं है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, खत्म, बोलने की बहुत लंबी चौड़ी कहानी थी, मुद्दे की बात किसी है, डालो छोटी सी लॉरेंट्ज फोर्स, और वो जो है एल वेक्टर दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी क्यू ई वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, क्यू कॉमन निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। वैसे अभी हम पिछले कुछ टाइम से लॉरेंट्ज फोर्स ही पढ़ रहे थे, जब हमने वो मास स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा, ये सर ये जितने भी किसे देखे जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक साथ काम कर रहे हैं वो सब लॉरेंट्ज फोर्स वाले थे, ठीक है ना, तो एफ एल की वैल्यू आ गई क्यू ई क्रॉस क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी, समझ आ गई इतनी बात, लिख लो फटाफट। इतना ही है, ठीक है,
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूं। अच्छा, इसके बाद ये हो गई बात कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के चलते चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लग गई, और मैग्नेटिक फील्ड के चलते अब बात आती है कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या फोर्स होगी। तो एंड डालो अगली हेडिंग, लॉरेंट फोर्स इतना ही था, बस नाम पता होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ आ जाए तो ऐसे नहीं घबरा जाएंगे क्या हो गया, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अलग से निकालो, मैग्नेटिक फोर्स अलग से निकालो, दोनों का वेक्टर सम कर दो, उसी को लॉरेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आती है बात फोर्स आना करंट कैरिंग वायर, एंड डालो फोर्स आना करंट कैरिंग वायर। अब हम ये जानते हैं कि भाई फोर्स जो होती है किसी चार्ज क्यू पे वो वी क्रॉस बी होती है, तो छोटे से चार्ज पे जो फोर्स होगी, छोटी सी फोर्स, वो ये होगी। वी को मैंने लिखा डी एल बाय डी टी, और यहां पे समझ तुम गए होगे मैं क्या करने वाला हूं। यहां पे मैंने डीएफ वेक्टर निकालने के लिए DQ और DT को क्लब कर दिया, वो हो गया I, यहां आ गया DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो DF वेक्टर की वैल्यू आ गई IDL क्रॉस B। अब DF वेक्टर की वैल्यू अगर IDL क्रॉस B आई तो मुझे ये बताइए कि ये फोर्स, तो ये तो तब है जब अगर अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ बी इज यूनिफॉर्म, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो वैसे अगर आप फोर्स निकालते हो तो क्या आएगी, नेट फोर्स हो जाएगी, करंट हर जगह सेम ही रहने वाला है, एक तार में करंट सेम ही रहेगा, आई बाहर आ गया, तो इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है। अगर बी यूनिफॉर्म है तो मैं इसे कह सकता हूं एफ वेक्टर वुड बी इक्वल टू आई इंटू इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी I इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। प्लीज नोट L वेक्टर जो है वो बेसिकली वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा था, तो बेसिकली वो करंट का ही डायरेक्शन है। ठीक है, DL वेक्टर का डायरेक्शन वही है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर फोर्स जो है वो जीरो कब कब होगी, फोर्स इज जीरो इफ, फोर्स इज जीरो इफ या तो करंट ना जा रहा हो, ठीक है, या बी वेक्टर जीरो हो, मतलब फील्ड ही नहीं हो, फील्ड नहीं होगी फोर्स लगाएगा, करंट नहीं जाएगा फोर्स क्यों लगेगी। दिक्कत ये एल वेक्टर जीरो हो जाओ मतलब तार गायब हो गया, नहीं, प्लीज नोट एल वेक्टर इसे कहते हैं लाइन वेक्टर। ये जो था डीएल वेक्टर, इसका नाम था लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट मतलब तार के ऊपर एक छोटी सी, या आप करंट एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। और ये जो होता है एल वेक्टर, ये होता है लाइन वेक्टर। लाइन वेक्टर का मतलब हो गया कि अगर तार इस तरीके का है तो डीएल डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर सारे डीएल वेक्टर जोड़ोगे तो रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर निकलेगा क्या, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन बचपन में पढ़ा होगा आप, ठीक है। तो ये लाइन वेक्टर आएगा। एल वेक्टर जीरो होने का मतलब क्या हुआ, एल वेक्टर के जीरो होने का मतलब ये हो गया कि ये क्लोज लूप बन गया है, ठीक है, या तो तार ही नहीं है वो भी हो सकता है, और अगर है तो एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उस केस में भी जो नेट फोर्स होगी वो जीरो आ जाएगी। समझ में आ रही है वाली सारी बातें। और एक और ऑब्वियसली एक केस है ऐसे कि अगर कहीं एल वेक्टर पैरेलल हो जाए, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए बी वेक्टर की, तो भी तो एल क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी तार मतलब करंट कैरिंग लूप के ऊपर, ठीक है, वो क्लोज लूप हो या ओपन लूप हो वो अलग बात है, पर वो निकाली जा सकती है। इसी का अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखा जाए तो वो ये हो जाएगा कि अगर मान लो एक तार यहां है एक तार यहां है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ लेफ्ट वाले वायर की वजह से जहां पे राइट वाला वायर है वहां पे फील्ड कितनी होगी, लेफ्ट वाले वायर की वजह से जहां राइट वाला वायर है वहां फील्ड कितनी होगी, तो इसकी वजह से यहां पे फील अंदर की तरफ होगी, ये बात समझ में आ रही है क्या। तो उस पर फोर्स कितने लगेगी, फोर्स होती है डीएल क्रॉस आईडीएल क्रॉस बी,
आई तो आई है डीएल का डायरेक्शन, वो जो करंट का डायरेक्शन है, तो डीएल जा रहा है यहाँ पे ऊपर, और डीएल क्रॉस बी जो आएगा वो लेफ्टवर्ड्स आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसने इस पे फोर्स लगाया इधर, ठीक है, इसने इस पे, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड बाहर की तरफ है क्या? अरे है कि नहीं है, है। तो फोर्स किधर है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीएल क्रॉस बी करोगे तो डीएल इधर है और बी बाहर है, डीए का डायरेक्शन वही जो करंट का डायरेक्शन है हमेशा, डीएल क्रॉस बी, हाथ चल रहे पब्लिक के, कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़िया दिखता है। हाँ, डीएल क्रॉस बी जो होगा वो राइट वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब ये इस पे फोर्स लग दी, विचित्र, सेम डायरेक्शन में जब करंट जा रहे हैं तो दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक कर रहे हैं, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, अब उसे अट्रैक, यहां पे क्या हो गया, जमाना बदल रहा है, सेम अट्रैक, ठीक है, अब तो लीगल है यार, क्या है, अच्छा चलो देखते हैं, अपोजिट भी पता चला, अपोजिट भी अट्रैक्ट ही कर रहे हैं भाई, दुनिया में प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, अपोजिट भी अट्रैक्ट, सेम भी अट्रैक्ट, तो यहां देखे तो कितना मजा आएगा, है? अच्छा रिपेल हो जाएगा वो, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार इधर देखो तो, इसकी वजह से फील किधर आएगी, इसकी वजह से यहाँ फील किधर है, अंदर, इसकी वजह से यहाँ फील किधर है, अंदर, इसकी वजह से यहाँ फील अंदर, इसकी वजह से यहाँ फील अंदर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे फोर्स किधर है, डीएल क्रॉस बी, डीएल किधर है, नीचे, बी किधर है, अंदर, तो डीएल क्रॉस बी कहाँ आएगा, राइट, समझ में आई वाली बात, इज दैट राइट, अच्छा एंड इज दैट राइट, टूट जाएगा क्या दूसरा, अच्छा घुमा घुमा के भाई एक ही राइट साइड है, पेपर भी देने, हाँ तो डीएल क्रॉस बी यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, इन दिस केस लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट इज करेक्ट, ठीक है, एंड हियर राइट इज करेक्ट, तो अब यहां पर रिपल्शन हो रहा है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट रिपेल, ठीक है, एंड सेम अट्रैक्ट, समझ आ गई वाली बात, दांत दिखा दिखा क्या सारे, अच्छा चलो ठीक है, याद रह जाएगी क्या ये बात, चार्जेस तक जमाना ठीक था, मैंने फील तक आता जमाना थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब क्या हुआ, बस हो गया और क्या, ये कुछ बातें हो गई, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये डायरेक्शन तो समझ में आई गए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दो बहुत लंबे बहुत इनफाइनाइट वायर थे, मतलब, और इनफाइनाइट का मतलब बहुत लंबे होना जरूरी नहीं है, इनकी लेंथ डिस्टेंस के साथ में बहुत बड़ी है, वो दो तार दो पास पास में भी थे तो भी वो इनफाइनाइट टाइप के ट्रीट करेंगे, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मान लो इसमें जो करंट जा रहा है, एक में करंट जा रहा है आई वन, एक में करंट जा रहा है आई टू, दो तार हैं बहुत लंबे, एक में करंट जा रहा है मान लो आई वन, दूसरे में जा रहा है आई टू, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, हैं, अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है मान लो डी, डी के सामने तार बहुत लंबे, अच्छा अगर वैसे मैंने कह दिया इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तब तो फोर तारों के बीच बहुत ज्यादा होगी, मतलब यहां से लेकर दिल्ली तक का तार बिछा दिया, उसके बगल में एक और बिछा दिया, बताओ इनकी फोर्स, अरे बहुत है, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच की फोर्स नहीं पूछ रहा है, मैं पूछो इन दोनों का फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, डीएल लेंथ है फोर्स कितनी है, यहाँ पे डीएल लेंथ में, यहाँ डीएल लेंथ में फोर्स कितनी है, ये पूछ रहा हूँ आपसे, तो हम ये कह सकते निकाल लेते हैं फोर्स क्या होती है, आई एल क्रॉस बी, आई एक मिनट यहां पर अगर फोर्स निकालनी है, आई तो हो गया आई टू, ठीक है, डीएल किधर है, ऊपर, और बी किधर है, यहां पर जो बी है वो किधर है, उसकी वजह से अंदर, डीएल और बी के बीच में एंगल क्या है, डीएल और बी के बीच में एंगल क्या है 90, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डीएल इंटू बी ही आ जाएगा क्या, बी कितना बाकी है उसकी वजह से यहां पे म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी, ये बात समझ में आ रही है क्या, ये आई छोटी सी फोर्स इस पूरे तार की वजह से छोटे से एलिमेंट पे, डीएल लेंथ पे लगने वाली जो फोर्स है वो आई है, तो पर यूनिट लेंथ जो फोर्स होगी वो क्या आएगी, डीएल को इसलिए, तो मैं ये कह सकता हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ वुड बी गिवन बाय म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, ये बात समझ आ गई क्या, और अगर डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टिव, और अगर अपोजिट है तो
रिपल्सिव, समझ में आ गई वाली बात, लिख डालो सारा। ठीक है, आपने डाल दी है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, उसके उसके लिए एक तरीके से ये डेरिवेशन है। और हालांकि इसको और थोड़ा सा क्या कह सकते हैं एलैबोरेट या और थोड़ा और साइंटिफिक दिख सकता था ये एक्सपेरिमेंट, ये डेरिवेशन, लेकिन जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत बढ़िया है ये, काम की चीज ये वाली। क्योंकि यूजुअली मैंने भी आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, नहीं मिलेगी तो डीएफ हर एलिमेंट पे डीएस क्रॉस भी करके हमें निकालनी पड़ेगी फोर्स, आइडियल क्रॉस भी, आइडियल क्रॉस भी। लिख लिया ना? हाँ जी, हाँ। एल वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं ना कभी कभी, बट जैसे मान लो ये तार ऐसे चला 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 यहाँ पहुंच गया तो ये एल वेक्टर हो जाएगा, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होती तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पूरे तार पे कोई फोर्स नहीं लगाई होती है जी। नहीं नहीं ये जो फील्ड है अभी अपन जैसे यहाँ पे फोर्स क्यू वी क्रॉस भी लिख रहे थे तो ये जो बी है ये इसी चार्ज की वजह से थोड़ी थी, ये तो कोई एक्सटर्नल जो फील्ड है। जैसे अभी अपन बार बार कह रहे थे कि अभी अपन ने सारे क्वेश्चंस किए कि चार्ज को यहाँ पे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो जो सारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड थी वो उसी चार्ज की थोड़ी थी, वो तो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये जो फील्ड है ये मतलब किसी फील्ड के अंदर अगर आप इस तार को रखोगे तो इस तार के पे लगने वाली उस फील्ड की वजह से फोर्स पूछ रहा हूँ। लिख लिया, आगे बढ़े।
चलिए, इसके बाद अगली चीज देखो, ये तो हुई कुछ बातें फोर्स के बारे में, करंट कैरिंग वायर के ऊपर। इसी के ऊपर एक सवाल देखे अगर हम लोग, कि भाई एक है ना तार है यहां पे फिक्स्ड है, जमीन पे फिक्स कर रखा उसको, और उसमें लेट अस से आई करंट जा रहा है, ऑलरेडी कुछ करंट जा रहा है आई वन, ठीक है। और इसके ऊपर एक रॉड है, उस रॉड की लंबाई एल है, उस रॉड का मास एम है, जो कुछ तारों से कनेक्टेड है, पर वो सस्पेंशन प्रोवाइड नहीं कर रहे उसको, और तार बहुत हल्के ढीले से तार है, ताकि बस करंट जा रहा है इसमें से कुछ। तो सवाल है सर, ये हवा में टिकी कैसे है? तो ये हवा में इस तरह से टिकी है कि अगर रेडिस्टेंस डी है तो ये करंट ऐसा जा रहा है कि आपस में रिपल्शन की वजह से ये टिकी हुई हवा में। पहले तो मुझे बताओ, अगर इसमें करंट राइट है तो उसमें करंट किधर होगा? लेफ्ट राइट, लेफ्ट अपोजिट्स अट्रैक्ट, रिपेल, आगे पड़ी हुई उल्टा बोल। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसमें मान लो करंट हो गया आई टू, डिस्टेंस डी है, मास एम है। अगर मैं आपसे पूछू कि बताओ एम की वैल्यू कितनी हो ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके, तो क्या करोगे? तो हम ये कह सकते हैं भाई रिपल्सिव, इसके ऊपर जो दो फोर्स है, एक एम जी और एक रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कितनी है? एम जी तो ये हो गई, एम जी की फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर आनी चाहिए। रिपल्सिव फोर्स कितनी जाएगी? म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी मल्टीप्लाइड बाई एल, क्योंकि ये जो फोर्स थी ये तो फोर्स पर यूनिट लगती है। हालांकि ये वाला स्पेशल हमने ये सोच के लिखा था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डी जो है वो लेंथ के सामने काफी छोटा है, ठीक है। और जो लेंथ ये लेंथ तो ठीक है, इस नीचे वाले वायर के सामने तो बहुत ही छोटा है। इस नीचे वाले वायर के सामने अगर छोटा है तो इसका मतलब मैं हर जगह पे एनर्जी म्यू नॉट बाय टू बाय डी आराम से लिख सकता हूं। तो ये वाली बात है भाई। अच्छा, अब ये बताओ इक्विलिब्रियम कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। याद आ रही वाली बात? किसी के दिल में ख्याल से डायनेमिक स्टैटिक आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले, जैसे बहुत इक्विलिब्रियम होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम लोग स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सबके बीच में, कि ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। तो भाई मीन पोजिशन पे रखा, डिस्प्लेस किया, वापस आ गया स्टेबल, डिस्प्लेस किया भाग गया अनस्टेबल, और डिस्प्लेस करके छोड़ा जहां छोड़ा वहीं रह गया, तो न्यूट्रल। ये बात याद आ रही है? अगर यहां पर मैं इसको वर्टिकली ऊपर नीचे मूव करूं, डिस्टर्ब करूं, तो क्या मैं बना सकता हूं कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है? क्या नहीं है? अगर इसको वर्टिकली ऊपर नीचे मूव किया तो ये स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, तो ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो जो मैग्नेटिक रिपल्शन है वो कमजोर हो जाएगा, ग्रेविटी जीत जाएगी, कहते नीचे आओ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। नीचे लेके जाऊंगा तो ग्रेविटी फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगी, वो ग्रेविटी करा देगी और इसको वापस ऊपर ले जाएगी। मतलब ऊपर ले जा रहे हैं तो वापस नीचे आ रहा है, नीचे ला रहे तो वापस ऊपर जा रहा है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये बात समझ में आ जाएगी क्या? अच्छा, अगर मान लो कि मैं इसको ऊपर ले जाके छोड़ ही दिया तो क्या होगा? ये भागता होगा, गिरेगा ये नीचे, क्योंकि ऊपर एनजी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, मैग्नेटिक रिपल्शन कमजोर हो जाएगा। जब ये यहां आएगा, यहां आते आते दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी जीरो, लेकिन अब तक वेलोसिटी आ चुकी है। कहते जैसे इसमें वेलोसिटी आई, इसे काम तो और आगे जाएंगे, हमारे भी कुछ ज्यादा, ठीक है। और जैसे ये क्रॉस किया, थोड़ा सा क्रॉस किया, थोड़ी सी फोर्स लगी नेट, और नीचे आया, और ज्यादा फोर्स, और नीचे आया, और ज्यादा फोर्स, ज्यादा नीचे आया तो मैग्नेट फील्ड कहां चले जा रहे हो? चलो भाव वापस। तो अच्छा ठीक है, ओके सॉरी, जा रहे हैं वापस, यहां तक पहुंचा तो फोर्स जीरो हो गए, लेकिन तब तक वेलोसिटी आ गई। ये फिर ऊपर जाने लगे, ग्रेविटी ना कहीं जा रहे हो क्या? कहां उड़ रहे हो? नीचे आओ वापस। और ये भाई साहब नाचेंगे, ठीक है। अगर आर बहुत छोटा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस वाली कंडीशन है, तो ये क्या करेगा? ऐसे अच्छे, तो तुम क्या करोगे? टाइम पीरियड का क्या? ये है सवाल एक्चुअली। इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस, लिख लो, अच्छा लिख लो,
दो पार्ट है वैसे सवाल के, चाहो तो वैसे इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसे आपको सेकंड पार्ट में, तो मैं सीधा सेकंड पार्ट ही पूछ लेता हूं। इफ द वायर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन, इफ द वायर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन देन फाइंड द time period of oscillations, then find the time period of oscillations. जी कैसे बात कर रहा है, आ गया टाइम पीरियड, हाँ कितना आया? अरे मैं कितना मशहूर देखो ऐसे ऐसे तो बढ़ चुके हो तुम लोग, निकाल रहे हो, निकाल लो चित्रकारी तेरे काम, चित्रकारी तेरे काम, ये नीचे वाली टेबल वाली वो भी रखा है, रेजर भी, वो भी रखा है, वाइटनर पक्का तेरे, ऐसे हम नहीं करेगा बताओ, टाइम पीरियड पूछ लिया ऐसे हम, हाँ तो स्लाइटली डिस्प्लेस लिखा है ना, अभी देख ले भाई, सिंपल सी बात है, अगर फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई हम करेगा है ना, तो अभी देख लेते हैं। वैसे टाइम पीरियड अगर पूछा है ये बात समझ लो आपके सिलेबस के हिसाब से, अगर कभी टाइम पीरियड पूछा था एसएचएम तो कर ही रहा है, क्योंकि बिना एसएचएम के टाइम पीरियड निकालना तुम्हारा सिलेबस नहीं है, ठीक है, मतलब फिर या तो फिर वो सर्कुलर मोशन टाइप का किसी भी ऑसिलेशन की बात हो रही है और फिर उसमें टाइम पीरियड पूछा है, मतलब एसएचएम है नहीं। अरे इतना सुंदर आता है, चलो मैं आंसर बताता हूँ, प्रूफ तो कर लोगे, टू पाई रूट डी बाई जी है, डी है वो कहाँ से हो सकता है, टू पाई रूट डी बाई, जैसे टू पाई रूट एल बाई जी होता है, सिंपल पेंडुलम का याद है क्या, ऐसे इसका आता है टू पाई रूट डी बाई जी, मुझे क्या बताओ, लाओ मैं सोल्यूशन बता ही देता हूँ ना, मैं तो ऑफर कर रहा हूँ पूरा सोल्यूशन, तुम सुनना नहीं चाह रहे, आ गया बहुत बढ़िया, कहाँ है, अच्छा ऊपर, देखें देखा ऐसा है, अच्छा डिस्प्लेस करते हैं, बताओ किधर ऊपर नीचे, अच्छा स्टेप आपको बताऊंगे एसएम निकालने की, एसएम का टाइम निकालने की, पहले स्टेप होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो वो ऑलरेडी है, दूसरा आता है उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो एक्स डिस्प्लेस कर दो, तीसरा आता है फोर्स निकालो एक्स के टर्म्स में, चौथा होता है एक्सेलरेशन निकालो एक्स के टर्म्स में, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म्स में लेकर आओ और टाइम पीरियड टू पाई बाय ओमेगा होता है, ये बात याद आ रही क्या, अच्छा तब डिस्प्लेस करना पहला काम हो चुका है, तीन क्वेश्चन मिल चुकी है, डिस्प्लेस करना है कहां करें, ऊपर नीचे, ऊपर कर देते हैं,
नीचे कर रहे हैं और ऐसे जोर से नीचे, चलो नीचे कर लेते हैं, ऊपर वाला भी है वैसे। एक्चुअली ऊपर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि क्या है कि अभी डी है, डी प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस से ना जरा मतलब पता नहीं थोड़ा सी भी लगाव नहीं मेरा माइनस, ठीक है ना, तो प्लस ज्यादा अच्छा लगता है, डी प्लस एक्स हाँ ठीक है, डी माइनस एक्स हाँ, पर चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं इसको। तो नेट फोर्स कहाँ लगेगी इसमें, ऊपर लगेगी, तो फोर्स की वैल्यू जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा ऊपर की तरफ आ गया, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी माइनस एक्स इंटू एल और माइनस एम जी, और यहां पे बाहर माइनस आएंगे मेरे घर से, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने नीचे माना है, फोर्स हम ऊपर की तरफ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, ये तो फोर्स हो गई, तो ये आ गया। अच्छा अब एक काम करते हैं, गंदगी थोड़ी साफ करते हैं पहले, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई इंटू एल की वैल्यू एम जी डी नजर आ रही है, तो ये कचरा सारा साफ करो, अभी समझ में आया कहां से आया था ये एम जी डी अपॉन डी माइनस एक्स माइनस एम जी, क्या हो गया निगलेक्ट ही कर दिया, अच्छा हुआ नीचे किया ऊपर तो नहीं किया, ऊपर यहां निगलेक्ट कर दिया लल्लू, अगर यहां निगलेक्ट कर दोगे ये वाला हटा दोगे तो ये बराबर है, जीरो नहीं आ गया ना, अच्छा ऐसे ले लेने के बाद ना, हाँ वो तो मैं भी कर रहा हूँ, हाँ तो मैं क्या पहले से तुमने अगली स्टेप में जाकर सफाई करी, मैंने पिछले टाइम में पहले शुरू में सफाई कर दी थोड़ी चीज, थोड़ी जो है ज्यादा गंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया जो कॉमन निकल रहा है निकल लो बाकी एलसीएम, तो क्या आएगा यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस टाइम्स, और नीचे तो आ गया यहाँ पे डी माइनस एक्स, ठीक है, तो वन माइनस और डी माइनस एक्स, सॉरी डी माइनस डी माइनस एक्स और एमजी बाहर कॉमन, ये बात समझ में आ रही है क्या, जैसे आपने रखे खोला डी से डी कटा और एफ की वैल्यू आ गई बहुत ही खूबसूरत तरीके से माइनस टाइम्स डी एम जी डी अपॉन डी माइनस एक्स एम जी एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ये बात समझ में आई क्या, देखा जाए तो ये एसएचएम नहीं है क्योंकि फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है क्योंकि डिनोमिनेटर भी एक्स है, लेकिन क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इसी खुशी में हम एक्स को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक्स इतना भी अगर बहुत छोटा होता है तो हम कंपैरिजन में उसको उड़ा सकते हैं, पूरा वाला उड़ा देना, क्या ऊपर उड़ा दो फिर एक्स जीरो डाल दो फोर जीरो नहीं, अब यहां पे देखोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस एम जी एक्स अपॉन डी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस जी बाय डी इंटू एक्स इक्वल टू माइनस मसाला एक्स मसाला मस्ट बी ओमेगा स्क्वायर, और टाइम पीरियड हमेशा होता है टू पाई बाय ओमेगा, तो वो जाएगा टू पाई अंडर रूट डी बाय जी, समझ में आई क्या ये वाली बात, अच्छा कितने लोगों का आंसर आ गया था अपने आप एक बस, चलो कोई बात, और इसी रस्ते में कहीं अग्रसर थे पर कचरे में फंस गए थे, ऐसे तो बहुत सारे होंगे सर, इसी से लड़ाई कर रहे थे, मुझे पता नहीं इतना सारा आ गया, हाँ बहुत बढ़िया, लिख लिया
चलो ये हुई बातें फोर्स और ना करंट कैरिंग वायर के बारे में। तो देखो फोर्स से रिलेटेड हमने सारा खत्म कर दिया, इसके बाद आती है टॉर्क। फोर्स होगी तो टॉर्क भी होगी, टॉर्क होगी तो रोटेशन भी होगा, सब आएगा। लेकिन अगर वो आ गया तो वो लिस्ट और लंबी हो जाएगी, ये होमवर्क वाली। तो मेरी तो ऐसी इच्छा है, अब तुम मुझे बताओ पहले तुम इसमें से क्या करके ला सकते हो। क्या मैंने तुमसे पूछी, गलती तो नहीं कर दी? एस टू छोड़ दो भले ही, एस वन ओवन कर लोगे क्या? और रेस करनी है या बस ओवन एस वन? ओवन एस वन कर लो, रेस रेस रहना दो, लेकिन कर लेना यार, क्योंकि अगली क्लास में ना मैं बाहर निकाल दूंगा। सर इमोशन मैच नहीं किए, एक तरह का रिक्वेस्ट कर रहे थे, कर लेना यार प्लीज यार, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा यार। ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट के बीच में धमकी? हाँ तो कर लोगे क्या? फिर डिस्कस करने मजा नहीं आता। आई एम टेलिंग यू, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे चीज कमजोर रह जाएगी। मैं कितना भी चीख लू चिल्ला लू ये सब कर करके दिखा दू, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल ले लो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा, वो यहां से घुसा वहां से बाहर, जब तुम खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे। ठीक है तो होमवर्क करो, ठीक है ये लिख लो अच्छे तरीके से, ये तुम्हारा होमवर्क है एस वन और ओ वन, ठीक है ना, भूल नहीं जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये एस वन करके लाने तुम्हें, एस क्लास से ओ वन करके लाने, और रेस नहीं है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ताकि तुम कर पाओ अगली क्लास, मतलब कल है, ठीक है, बहुत दूर नहीं है, मैं भी खींच लू, मैं भी भूल जाऊंगी। अरे कहाँ है भाई? हाँ चले ठीक है, तो इतना होता है आज के लिए। ये जितना हमने पढ़ा है उतना पढ़ो, घर पे घर पे जाके पढ़ते हो? अच्छा ये तो करते हैं, तो होमवर्क क्यों नहीं करते हो? करते हो, पर डिस्कशन के टाइम पे फील क्यों नहीं आती ऐसी कुछ है? बोले एकदम से डांटे बैठे रहेंगे, क्वेश्चन अच्छा ऐसा तो नहीं है कि तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इसलिए तुम नहीं पूछते हो है? बता तो दे यार, मेरा बहुत इच्छा है मेरी जानने की, बिजी रह गया घूमने का, नहीं बस मौसम अच्छा हो रहा था, नहीं मौसम अच्छा नहीं था, मौसम अच्छा, मौसम तो अच्छा था यार, हाँ बहुत प्यारी नींद आ रही थी आज ना, कल तो अच्छा था। अच्छा होमवर्क तो आज ही करना था, सही बात है, आज तो कुछ कर भी नहीं पाओगे जब तक घर बैठे होगे। चलो क्या, चलो कोई नेक्स्ट क्लास में सारा होमवर्क करके लाना, ठीक है? अच्छा अभी तुम्हारे पुराने पाप भी बचे हैं कुछ कैपेसिटेंस के, जेई में जेई वाज एस टू ओवर नोट हो गई थी, चलो कुछ तो हुआ, हो गई थी ना, डिस्कस नहीं हुई अभी ऑटो, तो कब करोगे? नहीं मैं देखो ऐसा है, तुम्हारे सामने रिसोर्सेज खुले पड़े हैं, अब सवाल तुम, नाउ इट्स ऑन यू कि तुम्हें बाल्टी लेके जानी है, पानी भर के लाना है, वो करना तुमको है, बताओ कब, तुम बता दो, जब तुम डिसाइड कर लो तो मुझे बता दो तुम कब, क्योंकि देखो मेरे दो काम है यहाँ पर इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली जिस जगह पे मैंने तुमको आके ज्वाइन किया है, तुमको तुम्हारे साथ आके मिला हूँ, अब मेरा एक काम तो मेरा है ही से कि मैं तुमसे पाप ना होने दूं, और दूसरा पुराने पाप भी धोने हैं मुझे तुम्हारे, तुम ही धोगे, मतलब मैं जिससे फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, तो तुम्हारी इच्छा है बताओ क्या करोगे? अभी तो सर इतना ही करेंगे, आज कल की क्लास में इतना करके लाएंगे, तो आगे का कुछ प्लान बना लो, तुम करो ये काम। मैं क्या किया? अच्छा कौन है जो ऐसा कोई ऐसी प्लानिंग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की फिर तैयार है कि भाई इस किस क्लास में हम लोग पुराने पाप कैसे, वो तो सबको पता ना कि कितने कितने पुराने पाप कर रखे हमने,
ठीक है कि भाई ओवन है, सॉरी कैपेसिटेंस की O2 है, उसकी मेंस है, उसकी एडवांस है, ये डिस्कस होनी बाकी है। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो हो गया ना पूरा, बहुत बढ़िया। एचसी वर्मा किसी की करनी है डिस्कस तुमको? अच्छा वो वही है ना, बाकी और तो कुछ नहीं है, पुराने पाप तो नहीं गए एचसी वर्मा के, कैपेसिटेंस यही बचे हुए, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा या तो फिर मैं तुमको, ठीक है। और अभी दे दूं, अभी तो तू ये करोगे ना, अच्छा बता दू, बता दो करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सा चैप्टर है? 33 होगा शायद। अच्छा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस 32 होगा, कैपेसिटर है 31 है, अच्छा 30 गॉस लॉ है, तो 31 के एचसीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए आप। चैप्टर 31 एचसीवी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, और वो आ जाएंगे बारह, चौदह, उन्नीस, बीस, पच्चीस, अट्ठाईस, 33, 33, 39, 40, 42, 47, 55, 50, 50, 55, 57, 58, 61, 62, 66, 66, 67, 68, ये अच्छी वीक है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है ये, ऑब्जेक्टिव से वैसे उसके भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड ऑब्जेक्टिव से सारी करना, इतना ज्यादा भारी है भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको ये वाले क्वेश्चंस आप लोग करते रहो, ठीक है, और कर लेंगे डिस्कस अगर कभी बोलोगे तो, कभी मौका निकाल के, टाइम निकाल के, अभी हाल फिलहाल नेक्स्ट क्लास में ये तो पक्का डिस्कस करेगी इसी, ठीक है। चलो इतना बहुत है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।